सो हे फैमिली, फिर से मैं एक और फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो ये रेसिपी होने वाला है टिंडे की सब्जी। पता नहीं आप लोगों को पसंद होगा कि नहीं, वैसे मुझे भी उतना पसंद नहीं है, बट यार मम्मी सब्जी लाई है तो बनाना तो पड़ेगा ही। मम्मी यहाँ पे बना रही है तो खाना पड़ेगा ही। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि टिंडे की सब्जी पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करना, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने इतने सारे टिंडे लिए हैं मम्मी ने। मम्मी बना रही है ये रेसिपी, क्योंकि ऐसी सब्जी मम्मी ही बनाती है, क्योंकि यार हमें उतना पसंद नहीं है तो हम खाते नहीं है। मम्मी फिर भी जबरदस्ती कह रही है कि हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, तो मम्मी कह रही है कि बनेगा, सबको खाना पड़ेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, खाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर ही देती हूँ। आप लोगों को भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पसंद नहीं है बट पेरेंट्स बोलते हैं तो करना पड़ेगा, और एक टिंडा उसमें से ख़राब निकल गया। चलो अच्छा हुआ, कम हुआ और हमें कम खाना पड़ेगा। तो मम्मी ने उधर साइड कर दिया ख़राब टिंडे को, और सारे टिंडे को अच्छे से छील कर अब इसको कट कर रही है। इसका टिंडे का भुजिया बना रही है बेसिकली। और ये इस बिल्कुल पता है कैसा लगता है, जैसे घिया की सब्जी होती है ना, सेम वैसा ही लगता है देखने में, और खाने में भी ठीक ठाक था। मुझे पसंद नहीं है बट फिर भी मुझे अच्छा लगा। ये दाल चावल के साथ बहुत ही यमी लगता है, या फिर आप पराठे के साथ खाओ बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हो यहाँ पे जब तक हमारा सारा टिंडा कट रहा है, तो इतने आप मेरे जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार। इंस्टाग्राम पे आप लोग वीडियोस नहीं देखते हो, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जाके हमारी वीडियोस को सीन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ताकि हमारी फैमिली हर जगह कनेक्ट रहे और कुछ भी मैं पोस्ट करूँ तो आप लोगों को पता चले, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे सारे टिंडे को मम्मी ने कट कर लिया था। तो अब अच्छे से धोकर इसको छानकर एक बर्तन में अलग निकाल दे रही है, ठीक है ना। बेसिक सी रेसिपी है बट मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों के साथ शेयर करना, तो वो इसीलिए मैं कर दे रही हूँ। तो आप लोग माइंड मत करना कि यार ये ऐसी सब्जी भी शेयर कर रही है, तो प्लीज़ यार एडजस्ट कर लेना। तो देख सकते हो अब हमारा सब्जी अच्छे से धुल चुका है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। जब ऑयल हमारा हीट हो जाए तो आगे का हम प्रोसेस आप लोगों को बताती हूँ, तो ठीक है ना। इस वीडियो को बस पूरा से पूरा आप लोग देखना पड़ेगा। तो ऑयल हमारा हीट हो जाए तो मैंने उसमें डाले हैं यहाँ पे लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च डाला है मम्मी ने। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे वर्ड्स निकल रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग अगर मैं बोल दूँ मेरा तो आप लोग समझ जाना कि मैं मम्मी को ही बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सूखी मिर्च, अभी हमारा ऑयल उतना हीट नहीं हुआ इसीलिए चटक नहीं रही है ये। तो इधर हमारा सूखी मिर्च जो है डाला है, फिर धीरे धीरे करके मैं क्या बन भुजिया में ज़्यादा चीज़ें मसाले तो डलते नहीं हैं, तो इसीलिए सूखे खड़े मसाले ही डलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी मिर्ची बस बनने चटकने वाली है। तो जल्दी से जाओ, हमारा ब्लॉग भी आ चुका है फुल ब्लॉग, तो उसे भी आप लोग देख सकते हो जाके। और भी मेरा पोल्ट्री वाला चैनल है, आप लोग अबाउट सेक्शन में यूट्यूब के जाओगे तो वहाँ पे आपको जो भी मैंने चैनल लिंक कर रखे वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो और भी हमारा लाइफस्टाइल ब्लॉग, पोल्ट्री, वो आप सब देख सकते हो, तो आप लोग मतलब बस देख लेना, ठीक है ना। तो बीच में कॉल आ गया था तो मैं उसके थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर देना, क्योंकि रिकॉर्ड करने में मेरे को ऐसा पर्सनली कहीं मेरा रूम नहीं है जहाँ पे मैं जाके वॉइस ओवर कर सकती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ना नॉइज़ आ जाता है। तो बस आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, इन फ्यूचर हम अगर अपना रूम लेंगे उसमें सारा ये भी जो भी नॉइज़ ना है उसे हम बंदोबस्त करेंगे, बट फिलहाल नहीं है तो ऐसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, वो भी चटक जाए, फिर आगे का मैं प्रोसेस बता रही हूँ। इन फ्यूचर जल्दी से हम अपने स्टूडियो जब अर्निंग होगी तो हम स्टूडियो बनाएंगे, बट फिलहाल अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है क्योंकि अर्निंग नहीं है यार। जब अर्निंग होने लगेगी तो हम ज़रूर अपने स्टूडियो बनाएंगे, तब आप लोगों को बहुत ही परफेक्ट आवाज़ आएगा और परफेक्ट हम माइक भी लेंगे और कैमरा वमरा जो भी है सब लेंगे। बट फिलहाल हम फ़ोन से शूट करते हैं और एक बोया का माइक है उससे वॉइस ओवर होता है, ठीक है ना। कोई ऐसा स्टूडियो भी नहीं है, बस घर है, छत है, वहीं पर मैं किचन में कभी अपने रूम में या फिर कभी छत पे मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। और फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिया जो भी कट करके रखा हुआ था, और फिर नमक, और इसको हम 10 मिनट तक पका लेंगे, अच्छे से प्याज भून जाए तभी आगे हम कुछ डालेंगे। तो अभी हल्दी पाउडर भी इसमें मम्मी ने ऐड कर दिया है। तो आपको कैसा लग रहा है ये, आप लोगों आप किस किस को पसंद है टिंडे की सब्ज़ी आप लोग बताना। फिर अब प्याज हमारा अच्छे से भून चुका था, जो भी हमने टिंडे को कट कर रखा था वो डाल के उसको हम 10 मिनट तक फिर से पकाएंगे, ताकि जो भी हमारा टिंडा अच्छे से अंदर से पक जाए तब आगे का प्रोसेस हम करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा था, इतना बुरा भी नहीं था, बट ठीक ठाक था खाने में। तो अभी कढ़ाई में देख सकते हो हमारा यहाँ पे टिंडा अच्छे से भून रही हूँ मैं। जब अच्छे से भून जाता है तब हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है।
बट मम्मी का हाथों का ना यार कुछ भी बनाती है ना तो अमेजिंग लगता है। आप लोगों को पता है कि माँ का हाथ का बहुत ही मतलब अच्छा लगता है कुछ भी बनाओ। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो, अब लोग आप बताओ कि घिया जैसा लग रहा है कि नहीं। मुझे तो वैसा ही लग रहा था। अब इसको हम पराठे के साथ खाते हैं। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।